और सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज चुके, सब रेडी है, निकल रहे हम लोग। और वो सब हेवी बैग्स पांच सौ नीचे भी रख है। के, सब जो भी लाइट बैग्स लेके अरे हम लोग बोल ऊपर रहा जा है। रहे हैं अभी। हाँ अरे मैं क्या तो बोलता हूँ, आज आई का थिंक पार्ट अपना जो है एकदम मेनली चुप करेंगे मेनली मतलब। इंटरेस्टिंग होगा पूरी सीरीज का, तो वही तुझे शूट क्या करेंगे करना है, अभी। कॉमेडी चलो देखना फिर है मिलते तो हैं थूक पे देखो। थोड़े टाइम में, और बिहाइंड द सीन्स अपने थूक ब्लॉग पे। चलो फिर मिलते हैं रूम नेक्स्ट इतना शॉट अच्छा है कैमरा में दिख रहा है और हम में। भी। चलिए फिर। तो अभी हम लोग उतर चुके बस में से, सीतापुर पार्क है। तो काफ़ी मौसम सा व्यू था एक्चुअली, काफ़ी जल्दी सुबह निकले थे तो खींच नहीं पाया फ़ोटो वोटो। तो पीछे का सीनिक व्यू आपको दिखा देता हूँ अभी का, यहाँ पे का। बाकी तो हम लोग कैप्चर करने वाले हैं, पूरा चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे। और ये पूरा बस पार्किंग का एरिया है। हाय ब्रो, एक्साइटेड? अरे अ लॉट, डर लग रहा है थोड़ा। एक्चुअली पूरे ट्रिप का जो है अभी मेन पार्ट यही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सबको और सब बहुत पहुंच गए एक्साइटेड और ब्रो, काफ़ी ये ज़्यादा जल्दी उठ चुके। सीतापुर पार्किंग है, हाँ सीतापुर सीतापुर पार्क है। पार्किंग पहुंच गए। यहाँ और से हम जाने वाले हैं अभी एक अगर सोनप्रयाग। आप स्मोकर हो तो कुछ टिप्स देंगे भाई, क्या था स्मोकर के लिए? हाँ वो कैम्फर लेने का, और उसको कैम्फर मीन्स वो कापूर, उसको पानी मतलब लाइक इसमें वट यू से रुमाल में बांधने का और उससे सांस लेने का। लेकिन ये कंटिन्यूस मत करो, लग जाएंगे। मेरा भी फर्स्ट टाइम है भाई, मैं देखूंगा कैसे हो रहा है क्या हो रहा यानी कि है। यूज टू नहीं होना है यूज टू नहीं बीच होना बीच है, नहीं में। तो फिर उसकी आदत लग जाएगी, चढ़ ही हाँ नहीं पाओगे। तो ऐसे तो सब अभी अपन सीन है, है ऊपर -3 है सीतापुर टेम्परेचर। के बस स्टॉप पे, मतलब लाइक पार्किंग में। इधर से और 1 किलोमीटर गौरीकुंड, तो यहाँ से फिर हम लोग टेम्पो वगैरह करने वाले हैं। तो अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना है एक्चुअली, छोटी गाड़ी वाड़ी लेके बस स्टॉप से अभी जाएंगे आगे। यहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर भी दिखा दे तो ऊपर दिख रहा होगा अगर आपको। हेलीकॉप्टर आजू बाजू में उड़ रहे एक्चुअली, पीछे पूरा ग्रुप है हम लोगों का। बहुत सही ठंड है यार यहाँ। से बोलो करते तुला सोते सोते तू पण टाकतो मी। एक्चुअली आ तो गए अभी यहाँ पे नीचे पार्किंग में, अभी पूरा तो डिस्टेंस कवर करना है। आपको दिखा दो पीछे के साइड, ये जो पूरा स्लोप दिख रहा है आपको, ये पूरा इतना चढ़ के जाना है ऊपर, और उसके बाद जो है फिर हमें छोटी जीप वगैरह लेके जाना है सोनप्रयाग से गौरीकुंड। और ऑसम व्यू है यार, पीछे भी आपको दिखा देता हूँ मैं कुछ, मतलब इधर जितना कैप्चर करो उतना कम है यार। यहाँ पे से रिवर जा रही है एक्चुअली, यही रिवर है जो ऊपर से आती है। राहुल पन फोन है और अभी ये काफी निकल रहे हम लोग गौरीकुंड के लिए, निकल रहे हैं गौरीकुंड के लिए। और पीछे के लिए देखो कितनी लाइन है सोनप्रयाग के लिए, सोनप्रयाग से हम लोग ये ले रहे हैं। पूरी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे आगे, कुछ नहीं कोरोना वोरोना कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने एक आदमी के पास भी था। मास्क पास नहीं देखा। अच्छा ऐसा है क्या, कम तो जो ऑफिशियल को छोड़ के कसा घालता तेरे विसर ये वर्थ। अच्छा खासा ठंड है भाई, इतना ही इसको फीलिंग लेने आ जाओ। हम लोग भी जा रहे हैं अभी लाइन में। व्यू देखो भाई, इधर व्यू की कमी नहीं है। आते फिर लाइन वगैरह खत्म करके मिलते फिर। पीछे भीड़ तो देखो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे।
फाइनली उतर के आ चुके हैं। मुझे जीप से दिख रहा है गोरीकुंड तक लेके आए, जाने के लिए रेडी है। एंट्री और बोर्ड है, तो देखते मिलते हैं सफर में, दिखाएंगे आपको काफी सारे शॉट्स। सो अभी ये एक्चुअल ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। कर लेंगे होप सो। सब भाई लोग फोटो वोटो के लिए रेडी है। हाफ किलोमीटर चले अभी, उसी में भाई सांस फूल गई है सबकी। पहले तो काफी स्टीप सा था ढलान, अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, तो अंदर फ्लैट सा सरफेस थोड़ा, तो थोड़ा बेटर लग रहा है। देखते हैं इतने होटल है क्या ऊपर, थोड़े और डिस्टेंस के बाद अपडेट बताएंगे। क्या बोल रहे हो भाई, एवढे हॉटेल आहेत का वर, एवढे लोक जातात होगा भाई, कुठे 2 किलोमीटर आहे भाई। सबके हालत देख लो आप, देख भाई कैसा था भाई, रुक के तू डालेगा ना YouTube पे, बोल नहीं सकता भाई। बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग किया, अभी घोड़ा लेने वाला हूँ, घोड़े का रेट बहुत ज्यादा है भाई, माइनस में टेम्परेचर, पसीने छूट रहे यार भाई, एकदम थामला ना थामला, लिटरली पसीना आ रहा है भाई, इधर तो बहुत ज्यादा छूटा रहे, देखो थामला ना थामला मार रहा है। मिलते हैं अगले अपडेट में। हम लोग 2.5-3 किलोमीटर के बाद एक पॉइंट है यहाँ पे, क्लिफ पॉइंट है, देखो पीछे माउंटेन्स यहाँ पे, देखो पूरा स्टीप है भाई। ये जो है यहाँ से ट्रिक करके आपको फेस कंटिन्यू करना है। नहीं देखो। केदारनाथ 12.5 किलोमीटर, सब थक गए अभी, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया एक्चुअली। बस रेस्ट रूम ब्रेक और मैगी ब्रेक बनता है यार, खाता मैगी ना हमारे कहाँ थे मैंने जला। और भाई मुझे मैगी खाने का है, कैसे था स्ट्रेंथ, लोग मैगी खाने दे रहे, सांस फूल रही है मेरी, मर जाऊँगा ये। एक्चुअली हम लोगों ने पर्पज उसको नहीं रुका है, रुकेंगे तो फिर से वो चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है। तो भाई बताएंगे हम लोग ने कितना रास्ता कवर किया अभी तक, 3.26 पर वो शायद बीच में फिर से 3.26 किलोमीटर दिखा रहा है, पर बीच में मैंने पॉज किया था, लेकिन आधा अपन गए ऊपर, मतलब चल रहे थे लेकिन मैं प्ले करना भूल गया था, अपन स्टॉप लिया ना तभी, तो अप्रॉक्स अच्छा खासा डिस्टेंस मतलब टोटली कवर कर लिया हम लोगों ने, अभी तक 3.5 किलोमीटर हुआ रहेगा ना। ऐसे कुछ व्यू है, बहुत थक गए भाई, भी बहुत थक गए। राहुल भाई घोड़ा करने का, घोड़ा पैदल नहीं आने का, मैं घोड़ा करने वाला हूँ, मर जाऊँगा इधर। बहुत ज़बरदस्त खींच खींच के लाया इनको, देखते अभी आगे क्या होगा, मैं तो मना ही कर रहा हूँ फिर भी। अभी ये पीछे का व्यू देखने का गाइस, बहुत ऑसम है, बहुत जाते हैं दिखा दे आपको कैसा है, हालत खराब हो गई बोलने के लिए, तो 18 या फिर 20 किलोमीटर है, पर ये इसको इंटू 2 ही कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टिक है, अलग लेवल पे स्टिक पे है। तो थकान तो होनी, पीछे क्यों देखो, गजब गजब भाई,
यार शॉर्टकट के चक्कर में किधर के किधर घुसे पकड़ रहे हो। ये ऊपर चढ़ रहे ऊपर के फिन जो थे वहाँ पे जाने के लिए, तो बेसिकली दो तीन लेयर्स लेवल्स जो है बचा लिए। और यहाँ से भी वो पीछे भी ऐसे है भाई, उतरना तो बिल्कुल नहीं यहाँ से। राहुल भाई भी थक गए बुरी तरीके से, कब से घोड़ा घोड़ा कर रहे पर घोड़ा मिल नहीं रहा उनको। एक्चुअली हम लोगों ने लगेज ज़्यादा पैक कर लिया था गलती से, तो कोऑर्डिनेटर ने कुछ पंगा कर दिया हम लोगों को, तो हम लोग एक्स्ट्रा सामान ले गए तो फिर दिक्कत हो रही है अभी, वरना कुछ मुझे नहीं लगता इतना कुछ डिफिकल्ट हो जाता था। बस स्टिल अभी आए तो चढ़ के जाएंगे भाई। बम बम बोले तो अभी जाते हैं यार। गंदा सीन है भाई गंदा। पीछे शायद से राहुल भाई देखेंगे। आपके चक्कर में गिरना जाऊँ जा रहे ऊपर। चलो मिलता हूँ बाद में। देखो यहाँ पे इतना बेकार चढ़ा है तो पूरा चढ़ना है ऐसे, इसलिए बाद में मिलता हूँ। आगे भाई फाइनली पूरा स्टीप था, 8 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। और नीचे देखो पूरा ये लोग जो जा रहे हैं यहाँ से सीधा पूरा नीचे था, पूरा वहाँ से पूरा स्टीप चढ़ के हम लोग आए। 3-4 लेवल बचा लिए, बाकी पता नहीं वर्थ था कि नहीं, पर उतरने के तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी स्टीप है एक्चुअली। धीरे धीरे जाओगे तो भारी पड़ जाएगा। एक शेर जो अभी बोले थे ऐसा, क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, अजी मरना है तो मरो मिट्टी और वतन के लिए, नहीं तो हसीना भी उतार देगी दुपट्टा तेरी कफन के लिए। वाह वाह वाह। इधर 6 किलोमीटर है बेस कैंप 4.5, छानी कैंप 2 और बड़ी लिंचोली 1। अगर आप घोड़े से भी जा रहे हो तो 1.5 किलोमीटर पहले ये लोग घूम रहे थे, उतने की समतल है वहाँ से देखेंगे वो भी। और राहुल भाई को हम लोगों ने भेज दिया है घोड़े और खच्चर पे, बैग में मैंने पास कर दिया, उसके बाद से मेरा स्पीड भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मुझे चल के जाना था एक्चुअली, सोच के आया था मैं, इसलिए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले पॉइंट पे। व्यू देखो यार क्या ऑसम व्यू है सामने, मतलब पूरा स्नो से भरे हुए पहाड़, और वही कहीं पे शायद नीचे बेस पे मंदिर है जहाँ पे जाना 6 किलोमीटर यार। हो तो अभी हम लोग ने लंच कर लिया, पराठे वराठे खाए, इधर तो पराठे और मैगी मिलते हैं और कुछ तो मिलता नहीं है। बीच रास्ते में मिले हम भाई हमारे मिल गए बीच रास्ते में, और एक भाई फॉलो कर मेरे को ही फॉलो कर रहे हैं बीच रास्ते में मिल गए अक्षय, और तो पगला जाओ। उसका नाम क्या है, नाम क्या उसका, राहुल बंबाड़े अपने घोड़े पे गए, वो बोले कि नहीं जेब्रा है भाई, उसको घोड़ा करके दिया, उसके साथ हम लोग ने एक बैग दे दिया ना। बैग दे दिया बा, अभी समझा इधर मेरे को व्लॉगर्स व्लॉग क्यों नहीं करते यार, नहीं आते यूजुअली, कोई नहीं आता यहाँ पे, नहीं कर पाएगा कोई, जितने आते रहेंगे वो डायरेक्टली ऊपर का करते रहेंगे या फिर घोड़े का करते रहेंगे या फिर प्रोड्यूसर चॉपर, गरीबी हमारे व्लॉग में दिखेगी। हाँ माने
गरी गरी भी हमारे ही ब्लॉग में दिखेगी। तो भी हम थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। चलो और 6 किलोमीटर बाकी है, 6 किलोमीटर बाकी है, फिर करते हैं आपको फिर से मिलते हैं 6 किलोमीटर बाद। एक बार व्यू देख लो यार, फाइनली जो आ गए यार ऊपर हॉर्स पॉइंट तक। फट गई भाई सबकी, फट गई लिटरली, हेड एक, पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। पीछे का व्यू देखोगे तो पागल हो जाओगे। एक किलोमीटर यहाँ से किधर ना, वो ये फटाफट पहुँचते यार, वो थ्रेडिंग हो रहा है एक्चुअली। टॉप पीक देखो, पूरी धूप से नीचे पूरा फॉग और क्लाउड्स है, इतनी ठंडे के बोल भी नहीं पा रहे। हालत खराब हो गई भाई बिल्कुल। दोस्त लोग आगे चले गए, लोग जा रहे, हेडेक भी हो रहा है। भगवान ने ताकत दी, पहुंच गए भाई यहाँ तक, ऑल गुड। मिलते हुए एग्जैक्टली मंदिर के पास, ऑलमोस्ट देयर गाइस। पता नहीं फ्रेम में कितना अच्छे से कैप्चर कर रहा है, बहुत ही मेसमराइजिंग व्यू है, समझ रहे हो, गजब यार, पैसा वसूल।
मंदिर के आवार में। पिछले भी बंद हो चुका है, सुबह आएंगे यार आरती वारती के लिए, तभी करेंगे। पीछे अगर आप देखोगे आपको मैंने एक्चुअली वीडियो में भी दिखा दिया, मैं क्लिक करके भी फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। बाकी का साइड में सुबह दिखाऊंगा, एक्चुअली अभी नाइट है तो फिर पता नहीं मैं क्या क्या कवर कर पाऊंगा। सुबह में बहुत अच्छा व्यू होता है, पीछे के माउंटेन्स वगैरह भी दिखते हैं।